वेलकम गाइस, वेलकम टू द वीडियो। कैसे हो यार आप सब? आज हम बात करने वाले हैं टॉप सुपर फूड्स फॉर हेल्दी हार्ट। यार आप सबको पता भी होगा जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा रीज़न है डेथ्स का ग्लोबली। सो मैं आपको कुछ तीन सुपर फूड्स बताने वाला हूँ जो आप अपनी डाइट में डाल के इंक्लूड करो और एक्सरसाइज के साथ साथ अपने हार्ट का भी ख्याल रख सकते हो न्यूट्रिशनली। ऑलराइट, बात करते हैं इस वीडियो में, लेट्स गो। सो गाइस, पहली चीज़ है यार गार्लिक। मैंने आपको पहले भी दो वीडियोस में बता चुका हूँ, गार्लिक एक सुपर फूड है टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल के लिए, इवन हार्ट के लिए, बिकॉज वो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनको रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है, कंट्रोल और कंट्रोल करता है, ठीक है। सो गार्लिक को अपने फूड में इंक्लूड करो। आई नो सम यार कुछ लोग होते हैं जिनको गार्लिक से प्रॉब्लम है फॉर रिलीजियस रीजंस, बट इट्स ओके, है ना। अगर आप नहीं भी खाते कोई बात नहीं, आपका अपना बिलीव है, बट मैं एज अ ट्रेनर और एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी डाइट में थोड़ा गार्लिक प्लीज इंक्लूड करो, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। गाइस यार गार्लिक मुझे खुद यूज़ करते हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी डाइट में भी इंक्लूड करो थोड़ा सा। और इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट सुपर फूड की तरफ, वो है नाइट्रेट्स। गाइज, नाइट्रेट्स ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आर्जिनिन जैसे सप्लीमेंट्स भी सुने होंगे जो ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड ब्लड में न्यूट्रिशन का फ्लो इंक्रीज करते हैं, बट सप्लीमेंट बाद की बात है, पहले न्यूट्रिशन। आपकी हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स और बीटरूट सुपर फूड है ब्लड सर्कुलेशन के लिए और आपके हार्ट के लिए। सो मेक श्योर आप थोड़ा सा नाइट्रेट बीटरूट अपने फूड में, अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो, कभी भी सुबह दोपहर रात को किसी भी टाइम, बट इंक्लूड कर रहे हो। सो मेक श्योर आप ये सुपर फूड भी अपनी डाइट में इंक्लूड करो एंड आपको बेनिफिट्स खुद नजर आएंगे विद इन 4 वीक्स। सो गाइस, नाइट्रेट्स मुझे खुद यूज़ करते हुए मैंने पास्ता सैलड की रेसिपी भी बनाई थी। मैं मोस्टली या सैलड्स में या अपने पास्ता में ज़रूर बीटरूट डालता हूँ, बिकॉज एक तो यार हेल्दी है, टेस्टी लगता है, ऊपर से हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। कभी कभी क्या होता है जब आप ड्राई खाते हो बीटरूट ना, तो गले में खराश होती है। सो प्रेफर करो किसी मॉइस्ट चीज़ के साथ आप खा रहे हो उसको, बजाय कि ड्राई खाओ। जैसे मैं सैलड में डाल लेता हूँ, आप सैलड में भी डाल लो, अपने खाने के साथ जिस मर्जी टाइम ले सकते हो उस चीज़ को। आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहेगा बीटरूट से, बहुत ही सुपर फूड है, पावरफुल। सो इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। सो गाइस, नाइट्रेट्स के बाद आपका अगला सुपर फूड है, वो है विटामिन K2। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है हार्ट के लिए, मोस्टली एग योक्स में होता है। सो आप एग्स खाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो मैं वेजिटेरियन वालों के लिए बता रहा हूँ, नाइट्रेट्स तो ज़रूर खाया करो बीटरूट। बट वापस चलते हैं एग्स पे। एग्स विटामिन K2 आपका हेल्प करता है कैल्शियम रेगुलेशन में और आर्टरीज की स्टिफनेस को कम करने में। जो आर्टरीज जकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो उसको लूज़ करता है ताकि ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे बॉडी में, ठीक है। सो आपने अपने खाने में अगर आप वेजिटेरियन हो तो बीटरूट और गार्लिक ऐड करो, अगर आप नॉन वेज हो तो आप एग्स जरूर ऐड करो, मिनिमम 2 एग योक्स डेली। विटामिन K2 का आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, मार्केट में सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट आई प्रेफर न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट से पहले मैं हमेशा फूड पे ध्यान देता हूँ, उसके बाद सप्लीमेंट पे। और ये सबसे अच्छा तब रहता है अगर आप विटामिन डी और कैल्शियम ले रहे हो, उसके साथ आप एग्स खा रहे हो, सो सबसे बढ़िया चीज़ है। सो इन चीज़ों को, इन तीनों सुपर फूड्स को अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा ऐड करने की कोशिश करो। कल मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड मुझे बताना आपको आज क्या सीखने को मिला, एंड आई विल सी यू टुमारो।